नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। बॉलीवुड के एक्शन किंग विद्युत जामवाल जल्द ही एक ऐसी फिल्म में काम करने जा रहे हैं जिसके रिलीज से पहले ही भारत में बवाल मच गया है, क्योंकि ये फिल्म एक ऐसे शख्स की बायोपिक है जिसने कभी बीहड़ की डकैत रही फूलन देवी की सरेआम हत्या कर दी थी। और इतना ही नहीं, वो शख्स जान पर खेलकर अफगानिस्तान की धरती से पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां लाने का दावा भी कर चुका है। ये शख्स कोई और नहीं, शेर सिंह राणा है। कभी बीहड़ों में डकैत रही फूलन देवी को 1999 में मुलायम सिंह यादव ने अपनी पार्टी सपा से टिकट देकर सांसद बनवाया था। लेकिन कुछ ही साल बाद 25 जुलाई साल 2001 को जब वो संसद से दिल्ली स्थित अपने आवास पर जा रही थी, तभी शेर सिंह राणा ने दिन दहाड़े गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। और आज उसी शेर सिंह राणा की जल्द ही एक बायोपिक बनने जा रही है जिसमें बॉलीवुड एक्टर विद्युत जामवाल मुख्य भूमिका निभाएंगे। शेर सिंह राणा नाम से बनने वाली इस फिल्म का हिस्सा होने पर विद्युत जामवाल भी बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। इसलिए एक ट्वीट में उन्होंने लिखा, शेर सिंह राणा मेरी पहली बायोपिक है। मुझे लगता है कि नियति ने सारे पहलुओं को जोड़ा और निडर शेर सिंह राणा की भूमिका मुझ तक पहुंचाई है। मैं विनोद भानुशाली और नारायण सिंह के साथ काम करने के लिए बेहद उत्साहित हूं। शेर सिंह राणा की बायोपिक करने को लेकर विद्युत जामवाल तो बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं, मगर पत्रकार अजीत अंजुम बुरी तरह से भड़क गए हैं और विद्युत जामवाल का ही ट्वीट रिट्वीट करते हुए लिखा, फूलन देवी के कातिल सजायाफ्ता मुजरिम शेर सिंह राणा पर फिल्म, एक कातिल को महिमा मंडन किया जा रहा है। एक और पत्रकार राजा पाल ने लिखा, जाने दीजिए सर, ये दौर ही कुछ ऐसा हो चला है कि हत्याओं का महिमा मंडन भी शूरवीरों की तरह किया जा रहा है। इन लोगों ने तो सावरकर को भी वीर बना रखा है। जबकि अजीत अंजुम को जवाब देते हुए वत्स कॉल सिंह नाम के एक यूजर ने लिखा, फूलन देवी भी तो कातिल थी, उस पर भी तो बनी थी फिल्म, फिर क्यों एक वर्ग से आपको चिढ़ है। एक और ट्विटर यूजर शशि सिंह ने लिखा, आप हैं दिवालिया मानसिकता वाले, आपको अपना एजेंडा देखना है। शेर सिंह राणा की मूवी पृथ्वीराज चौहान की अस्थि कलश लाने पर बन रही है। पत्रकार अजीत अंजुम ने फूलन देवी के हत्यारे शेर सिंह राणा पर बनने जा रही बायोपिक पर आपत्ति जताई तो सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरह से उन्हें ट्रोल किया जाने लगा। तो वहीं फिल्म का निर्देशन करने जा रहे नारायण सिंह ने बताया, जब आप शेर सिंह राणा की कहानियां सुनेंगे तो आप जानेंगे कि उनका जीवन और उनके अनुभव बहुत ही रोमांचक और साजिशों से भरे हुए थे, जबकि विद्युत जामवाल ने एक्शन की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। इस फिल्म में वो एक ऐसा किरदार निभाते नजर आएंगे जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं किया। यह एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जिसका एकमात्र मोटो अपने राष्ट्र के लिए कुछ करना था। आपको बता दें कि शेर सिंह राणा उत्तराखंड के रुड़की जिले के रहने वाले हैं। साल 2001 में तत्कालीन सपा सांसद फूलन देवी की हत्या करने के बाद शेर सिंह राणा को तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया, लेकिन बड़ी ही चालाकी से वो देश की सबसे सुरक्षित जेल मानी जाने वाली तिहाड़ जेल से फरार हो गए और बाद में खबर आई कि वो पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां लाने के लिए अफगानिस्तान गए हुए थे। इस पूरी घटना का बाकायदा शेर सिंह राणा ने वीडियो भी बनाया। इसके बाद राणा ने अपनी मां की मदद से गाजियाबाद के पिलखुआ में पृथ्वीराज चौहान का मंदिर बनवाया, जहां पर उनकी अस्थियां आज भी रखी हुई हैं। ऐसे शख्स पर फिल्म बनने से पहले ही जहां अजीत अंजुम जैसे पत्रकार इसे फूलन देवी के हत्यारे के महिमा मंडन से जोड़कर देखने लगे हैं और इसका विरोध भी शुरू कर दिया है, तो वहीं फिल्म के निर्देशक ने बताया कि ये एक ऐसे व्यक्ति के बारे में फिल्म है जिसका एकमात्र मोटो अपने राष्ट्र के लिए कुछ करना था। बहरहाल, इन सब के बीच शेर सिंह राणा पर बनने जा रही इस बायोपिक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।